नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा के दौरे पर रहेंगे। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 2 बजे गोंडा पहुंच जाएंगे, जहां से वो उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र के बरौली ग्राम पंचायत के बाबा मठ जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे, साथ ही बाढ़ पीड़ितों से बातचीत कर उनका हालचाल भी जान सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण भी किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री बाढ़ के हालातों पर अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी करेंगे। इस दौरान सभी जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। आपको ये जानकारी दे दें कि जिले के सभी आला अधिकारी बाढ़ क्षेत्र के बरौली गांव पहुंच चुके हैं, जहां ग्राम पंचायत में हेलीपैड का निरीक्षण, व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया जा चुका है। तो आज गोंडा दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं, जो गांव हैं, उनका दौरा करेंगे, साथ ही साथ जो बाढ़ पीड़ित हैं उनसे बातचीत भी हो सकती है, उन्हें राहत सामग्री भी वितरित करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आ सकते हैं। इसके अलावा आला अधिकारी के साथ बैठक भी होगी। आला अधिकारी पहले से ही वहां पहुंच चुके हैं, हेलीपैड का निरीक्षण कर चुके हैं। आपको बता दें कि बाढ़ बारिश की वजह से जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। गोंडा में नदियां उफान पर है, कई गाँव ऐसे हैं जिनका संपर्क जो है वो शहरों से पूरी तरह से टूट चुका है, तो ऐसे में वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं। सरकार की तरफ से मदद तो की जा रही है, ऐसे में आज खुद योगी आदित्यनाथ गोंडा पहुंचेंगे और वहां पर क्या व्यवस्था है, किस तरह से बाढ़ पीड़ितों की मदद की जा रही है, उनके पास राहत सामग्री है या नहीं, खाने के लिए राशन है या नहीं, ये तमाम चीजें हैं, इनका जायजा भी लेंगे, साथ ही साथ उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। आपको ये भी जानकारी दे दूं कि बाढ़ बारिश की वजह से तमाम इलाकों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, ऐसे में तमाम बीमारियां जो हैं वो भी पनपती हुई नजर आ रही हैं। लोग बीमार हैं, स्वास्थ्य सेवाएं उन तक पहुंच पा रही है या नहीं, इन सभी चीजों का योगी आदित्यनाथ आज जायजा लेने जा रहे हैं। ऐसे में आला अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं, तमाम चीजों का वो पहले ही जायजा ले चुके हैं। योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। और गोंडा से मेरे सहयोगी राजमंगल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजमंगल, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, योगी आदित्यनाथ आज गोंडा दौरे पर रहने वाले हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, प्रशासन कितना अलर्ट है? काजोल, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ये जानकारी हुई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा हुआ है, कल शाम से ही वहां पे जोरों से तैयारियां चालू हो गई। आनन फानन में तत्काल वहां पे हेलीपैड बनाया गया है और वहां जो तरबगंज तहसील में बाबा मठिया बरौली जगह है, वहां पर टेम्परेरी हेलीपैड बना करके वहां पे प्रशासन पूरी तरह से रेड अलर्ट आ गया है और सारी तैयारियां पूरी कर ली है अब तक। हालांकि मुख्यमंत्री का पहले दौरा जो है वो बहराइच से, बहराइच के बाद वो गोंडा आएंगे, गोंडा से बलरामपुर। बात किया जाए अगर बाढ़ की, तो गोंडा का दो तहसील ऐसा है जो बाढ़ से प्रभावित होता है, कर्नलगंज तहसील और तरबगंज तहसील, ये बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। दोनों तहसीलों को मिलाकर लगभग 100 गाँव जो है बाढ़ से प्रभावित होते हैं। हालांकि बारिश में अब की बार जो है जो बाढ़ आया है वो तरबगंज तहसील में ज्यादा दबाव है और वहाँ पे लगभग 40 मजरों में बाढ़ है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए रामगल। तो ये बड़ी जानकारी गोंडा से, जहां पर बाढ़ ग्रस्त इलाकों में लगातार जो जनजीवन है अस्त व्यस्त है, ऐसे में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा दौरे पर आ रहे हैं। करीब 2 बजे वो गोंडा पहुंच जाएंगे, वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे, साथ ही साथ जो बाढ़ प्रभावित है उनसे चर्चा भी कर सकते हैं, उनके हालचाल जान सकते हैं, आला अधिकारियों के साथ एक खास बैठक भी हो सकती है। वर्दी में रिवॉल्वर के साथ वायरल वीडियो का मामला सामने आया है। लेडी कांस्टेबल का ये पूरा मामला नजर आ रहा है। आगरा से बीते दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें एक लेडी कांस्टेबल पुलिस की वर्दी में रिवॉल्वर के साथ वीडियो बनाती हुई नजर आ रही है और वीडियो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आपको बता दें कि ये वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया था, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। वहीं अब मामले में सुर्खियों में आने के बाद लेडी कांस्टेबल ने इस्तीफे की एप्लीकेशन दे दी है। एसएसपी को सौंपे अपने पत्र में लेडी कांस्टेबल ने बताया है कि उसकी वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर आने वाले कमेंट से परेशान होकर उसने ये निर्णय लिया है। आगरा की तस्वीरें और लेडी कांस्टेबल का ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ था। दरअसल गाड़ी से उतरती हुई, हाथ में रिवॉल्वर लेकर ये वीडियो
लेडी कांस्टेबल ने बनाया और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया, लेकिन उस पर जो कमेंट्स आ रहे हैं उससे लेडी कांस्टेबल पूरी तरह से परेशान हो गई है। ऐसे में अपना उसने एप्लीकेशन दिया है और कहा है कि वो अपनी ड्यूटी को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती है। सबको पता है कि मेरा एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और अब तो लोग जो है यूट्यूब पे इंस्टा पे मेरी वीडियो अपने अकाउंट में या पोस्ट कर रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा मुझे ट्रॉल कर रहे हैं। प्लीज़ ना करें, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और ना परेशान करें। और सब कह रहे हैं मैंने बहुत ज़्यादा अभद्रता की है, अपराध कर दिया है, इतना बड़ा क्राइम कर दिया है मैंने, और जॉब से निकाल देना चाहिए, भर्ती उतरवा लेनी चाहिए। अगर सच में ऐसा लगता है तो मैं अपनी मर्जी से जॉब छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं जॉब छोड़ दूँगी, और जिन लोगों को भी मुझसे प्रॉब्लम है मैं जॉब छोड़ दूँगी, लेकिन मुझे ट्रॉल ना करें प्लीज़। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी राजकुमार तिवारी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं आगरा से। राजकुमार, ये जो लेडी कांस्टेबल है, पहले वीडियो बनाया रिवॉल्वर के साथ और सोशल मीडिया पर डाल दिया, वायरल हुआ, तमाम लाइक्स और कमेंट्स आए, लेकिन अब जो लेडी कांस्टेबल है वो परेशान है, एक वीडियो उन्होंने जारी किया है। क्या परेशानी है, क्यों परेशान है, क्यों वो ड्यूटी को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो लेडीज कांस्टेबल है इनका एक वीडियो वायरल हुआ था हाल ही में, जो इंस्टाग्राम पर काफी तेजी से चल रहा है, और उससे परेशान होकर इन्होंने एसएसपी को अपने इस्तीफे का लेटर दिया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो उसने ये एप्लीकेशन दी है और वो खुद ड्यूटी नहीं करना चाहती है, इसको लेकर क्या जो अधिकारी हैं, जो ऑफिसर हैं, उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया है? देखिए, लेडी का उनका साफ कहना है कि मैंने ऐसा कोई क्राइम तो किया नहीं है जिससे मेरे ऊपर मतलब इस तरह की वो चल रही है, पुलिस कप्तान ने मुझे सस्पेंड कर दिया है और उसको वायरल कर दिया है, जैसे कि लोग मुझे ताने देना चालू कर रहे हैं, मैंने इतना कोई गलत तो किया नहीं है, उसको लेकर इन्होंने एसएसपी को अपने इस्तीफे का पत्र दिया है। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आगरा का ये पूरा मामला, वर्दी में रिवॉल्वर के साथ लेडी कांस्टेबल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ था, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद जो लेडी कांस्टेबल है परेशान हो गई, ऐसे में वो आगे अपनी ड्यूटी कंटिन्यू नहीं करना चाहती है। तो आगरा का ये पूरा मामला है जहां पर लेडी कांस्टेबल ने इस्तीफे के लिए पत्र दिया है। दरअसल लेडी कांस्टेबल ने ये वीडियो बनाया था, और जैसा कि आम जनता काफी ज्यादा वीडियोस आजकल बना रही है सोशल मीडिया पर, लोग उन वीडियोस को डालते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, और लोगों में कहीं ना कहीं खुशी होती है। तो ऐसे में एक महिला होने के नाते और इसने एक वीडियो बना लिया, इस लेडी कांस्टेबल ने, और वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया, वो वीडियो वायरल हो गया है, लेकिन जो उसके सहकर्मी हैं, जिस तरह से महिला कांस्टेबल ने अपने वीडियो जो जारी किया उसमें बताया है कि वो परेशान है, वो परेशान कर रहे हैं उन्हें, इसीलिए वो खुद इस ड्यूटी को नहीं करना चाहती है, वो खुद ही एप्लीकेशन यानी कि जो रेजिग्नेशन है वो दे चुकी है, लेकिन वो इस बात से भी परेशान है क्योंकि जो वीडियो है वो अब तेजी के साथ वायरल हो चुका है, वो उस वीडियो को रुकवाना चाहती है, और जो उस पर कमेंट्स आ रहे हैं वो इस लेडी कांस्टेबल को अच्छे नहीं लग रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि भले ही अपनी खुशी के लिए कोई अगर अपने लिए कुछ कर रहा है, चाहे वो वीडियो बना रहा है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, अगर वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है तो तमाम तरीके के अश्लील कमेंट भी आते हैं, भद्दी टिप्पणियां की जाती हैं, कई बार जो लड़कियां हैं परेशान हो जाती हैं और कई बार ऐसे कदम भी उठा लेती हैं जो काफी खतरनाक हो सकते हैं। मेरठ के खरखौदा थाना क्षेत्र के गांव जलालपुर में एक युवक ने गली में खेल रहे चार बच्चों पर लोहे की सरिया से हमला कर दिया, जिससे सभी बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मामले में
बिजली बम्बा चौकी क्षेत्र के गांव जलालपुर निवासी इस्माइल ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उसका बेटा आयात, जिसकी उम्र करीब 2 साल है, वासित अमीना और ईसा के साथ गली में खेल रहा था। तभी रसीसुद्दीन नामक युवक हाथों में सरिया लेकर वहां पहुंचा और बच्चों को वहां खेलने से मना करते हुए उन पर सरिया से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। वही हमले में चारों बच्चों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बच्चों को चोटें आई हैं, जिनका मेरठ के एक निजी अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मासूम बच्चों के सर पर कितनी गहरी चोट लगी है। जानकारी के मुताबिक बच्चे की हालत चिंताजनक बनी हुई है, गंभीर बनी हुई है। मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि उस युवक ने बच्चों पर हमला क्यों किया, ये वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। लेकिन इस तरह की क्रूरता आखिर क्यों की गई है, इसके पीछे की क्या वजह है, इसको लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। मासूम बच्चे छोटे छोटे हैं, कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल, खेल रहे थे। लेकिन एक युवक आता है, हाथों में सरिया लेकर बच्चों पर वार कर देता है, जिससे बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। ये जो मासूम बच्चा आप देख रहे हैं, इसकी हालत सबसे ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। इस पूरे मामले में पुलिस तहकीकात कर रही है, आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। मेरठ का ये पूरा मामला है, गली में खेलने को लेकर बच्चों पर ये हमला कर दिया गया, मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, और जिसके बाद आनन-फानन में बच्चों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 बच्चों की हालत तो ठीक है, लेकिन 1 बच्चे की हालत बेहद गंभीर है और डॉक्टर्स लगातार उसका इलाज कर रहे हैं। तो मेरठ का ये पूरा मामला है, जहां पर गली में खेलने को लेकर एक बड़ा हमला बच्चों पर कर दिया गया है। एक युवक सरिया लेकर आता है और इन बच्चों पर वार कर देता है, जिससे बच्चे गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिनमें से एक की हालत बेहद गंभीर है। आखिर वो उसने क्यों किया, क्या वजह है इसके पीछे, इसकी कोई जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। ग्रेटर नोएडा के जेवर विधानसभा के गांव में घर घर पर पैम्पलेट्स लगे हुए हैं, जिन पर लिखा है गांव में किसी भी बीजेपी नेता और कार्यकर्ता के आने पर रोक है। इसके अलावा कुछ पैम्पलेट पर लिखा है कि मुकदमे वापस नहीं हुए तो करेंगे चुनावों का बहिष्कार। इस तरह के पैम्पलेट्स या पोस्टर्स पूरे गांव में घर घर पर लगे हुए हैं और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अगर कुछ गाँव की मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश के कुछ गाँव ऐसे हैं जहाँ पर बीजेपी नेताओं की एंट्री नहीं है। आपको बता दें कि इन पैम्पलेट को गांव वालों ने आपसी निर्णय कर लगाया है। दरअसल पूरा मामला जेवर विधानसभा के रबुपुरा थाना क्षेत्र के आछेपुर गांव का है, जहां ग्रामीणों ने एक पंचायत की और पंचायत में फैसला किया कि अगर उन पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं हुए तो वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे और गाँव में किसी भी बीजेपी नेता को एंट्री नहीं लेने देंगे या फिर कोई कार्यकर्ता हो तो उसका भी प्रवेश नहीं होगा। यानी कि बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं का प्रवेश इस गांव में पूरी तरह से वर्जित है। ये पैम्पलेट्स आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके लिए बकायदा उन्होंने पैम्पलेट छपवाए, उनको पूरे गांव में घर घर और गांव के प्रवेश मार्गों पर लगा दिया है। आपको बता दें कि ग्रामीणों के गुस्से का कारण ये है कि बीते 2 अगस्त को गाँव के एक 28 वर्षीय महिला की रघुपुरा में एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई थी, जिस पर परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया और डॉक्टर के खिलाफ शिकायत भी दी थी, जिसके बाद पुलिस में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। लेकिन लिखित शिकायत के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने महिला के शव को रबुपुरा गोलचक्कर पर रखकर धरना प्रदर्शन भी किया था, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। वहीं अब लोगों का आरोप है कि पुलिस ने धरना देने और उल्टा उन्हीं लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। धरना देने के मामले में रबुपुरा कोतवाली में 31 नामजद और 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ बलावा सड़क जाम और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने पंचायत का आह्वान किया है, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। पैम्पलेट्स बनवाए गए हैं, घर पर लगाए गए हैं, बीजेपी नेता या कोई भी कार्यकर्ता यहां पर इस गांव में एंट्री नहीं ले सकता है, ऐसा पंचायत में फैसला लिया गया है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव लंबी बीमारी के बाद एक बार फिर सक्रिय नजर आए हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को ही जनवाद जन क्रांति यात्रा के समापन के मौके पर वो अचानक सपा कार्यालय पहुंच गए, जहां उन्होंने होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और जीत का मंत्र दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सपा ही सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ सकती है और सभी को उनका अधिकार दिला सकती है।
पूर्व मुख्यमंत्री के यूं अचानक पार्टी कार्यालय में आने से अखिलेश यादव के चेहरे पर भी नई चमक देखने को मिली, लेकिन वो भावुक हो गए और वो भावुकता जो है उनके चेहरे पर बखूबी नजर आई थी। मुलायम सिंह ने कहा कि सपा की सरकार बनाकर इस क्रांति यात्रा का मकसद पूरा करें। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बताया कि पूरे प्रदेश में अलग अलग यात्राएं चल रही हैं। एक यात्रा का समापन सेफई में हो चुका है और जन क्रांति पार्टी की यात्रा का समापन भी हो चुका है। उन्होंने कहा कि जन क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौहान और उनके साथियों की मेहनत साकार हो चुकी है। आपको बता दें कि लंबे समय बाद कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे मुलायम सिंह यादव एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में नजर आए, वही सफेद कुर्ता धोती और सिर पर लाल टोपी। वही सालों बाद अपने नेता को एक बार फिर पुराने अंदाज में देखकर कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह देखने के लिए मिला है। भाजपा उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभाओं में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। 5 सितंबर से शुरू होने वाले सम्मेलनों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी राधामोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश सह संगठन महामंत्री कर्णवीर सिंह सहित राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी और केंद्रीय मंत्री संबोधित कर सकते हैं। तो बीजेपी ने भी बसपा का फॉर्मूला अपनाने की कोशिश की है और इस बात की जानकारी मिल रही है कि ऐसा प्रबुद्ध सम्मेलन जिस तरह से बसपा कर रही है ऐसा ही बीजेपी करने की कवायदों में है। विधानसभा सीटों पर आयोजित होगा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन और इसकी शुरुआत योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, तमाम जो बड़े चेहरे हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और सभी विधानसभा सीटों पर ये प्रबुद्ध सम्मेलन किया जाएगा। यानी ये कहा जा सकता है कि भले ही पुरजोर कोशिश करनी पड़े लेकिन पीछे हटने वाला कोई नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो सपा हो या फिर तमाम ऐसे छोटे छोटे दल हों जो अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने आप को मजबूती के साथ जनता के सामने रख रहे हैं। एक बार फिर बढ़ती गैस सिलेंडर की कीमतों ने लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ कर रख दिया और गरीब जनता जहां पहले से ही महंगाई की मार झेल रही थी अब गैस सिलेंडर भी उसको महंगे दामों में खरीदना पड़ रहा है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में भी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं विपक्ष पार्टी के लोग भी सरकार के खिलाफ बढ़ती महंगाई को लेकर अपना विरोध जताने से पीछे नहीं हट रहे हैं। विपक्ष को तो मौका चाहिए और मौका लगातार उन्हें मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। एक बार फिर रसोई गैस सिलेंडर के जो दाम है वो बढ़ गए हैं, पहले ही पेट्रोल डीजल के दाम जो है बढ़ चुके हैं। इसके अलावा खाद्य पदार्थ भी लगातार बढ़ रहे हैं, जो ब्रांड है उन पर भी लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। ऐसे में जो आम जनता है पूरी तरह से त्रस्त है। देखिए, ब्रांड को अगर मैं हटा दूं, रसोई गैस सिलेंडर की बात करूं तो ये एक ऐसी चीज है जो कि रोज हर किसी के घर में इस्तेमाल होती ही है। अगर गरीब जनता की बात की जाए तो जैसे तैसे करके पैसा इकट्ठा करके मेहनत मजदूरी करके लोग लगातार अपने बच्चों को या अपने परिवार को सुविधाएं देते हैं, लेकिन हर महीने सिलेंडर को भरवाना कहीं ना कहीं उनके लिए एक मुसीबत बनता जा रहा है। जिस तरह से गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं इससे आम जनता पूरी तरह से त्रस्त है और इसी वजह से जगह जगह पर हम देख रहे हैं कि आम जनता के साथ साथ विपक्षी पार्टियां भी लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। वहीं फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल बुखार से अब तक 47 लोगों की जान जा चुकी है। जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने लापरवाही के चलते 3 डॉक्टर्स को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। स्वास्थ्य विभाग के अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर ए के सिंह ने गुरुवार देर शाम बताया कि बुधवार शाम तक 41 लोगों की मौत का आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग के पास मौजूद था। उसके अनुसार देर रात तक 4 और लोगों की जान चली गई जिससे यह आंकड़ा 45 पहुंच गया। वहीं आगे डॉक्टर ने कहा कि आज 2 और बच्चों की डेंगू बुखार से मौत हो गई है जिससे जनपद में अब तक डेंगू और वायरल बुखार से पीड़ित लोगों का आंकड़ा जो है जिनकी जान गई है वो 47 तक पहुंच चुका है। यानी ये कहा जा सकता है कि हर साल जो आंकड़ा होता है वायरल बुखार से मरने का वो बढ़ रहा है। बात अगर 2017 की करूँ या 2018 की या 2019-20 या 2021 की, इन सालों में हर साल बरसात के मौसम में जो वायरल बुखार है वो आता है,
डेंगू मलेरिया से कई बच्चों की जान चली जाती है। कई बार ऐसा होता है कि इलाज के अभाव में बच्चे दम तोड़ देते हैं। ऐसा हुआ है, कितनी बार हुआ है। अगर गोरखपुर में मैं देखूं तो गोरखपुर में 2017 में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई बच्चों ने दम तोड़ दिया था। सरकार घेरे में आ गई थी क्योंकि सरकार नई बनी थी, लेकिन फिर इन चार सालों में, साढ़े चार सालों में अब भी स्थिति जस की तस नजर आती है। सरकार दावे करती है, सरकार कहती है, लेकिन प्रशासन उन दावों को सही तरीके से जमीनी स्तर पर नहीं ला पाता है। इसी वजह से हर साल इतनी मौतें वायरल बुखार की वजह से हो जाती हैं। महिलाओं को जागरूक करने के लिए उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति का तीसरा चरण चल रहा है। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को उनके अधिकार, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने और खुद की सुरक्षा करने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नरेट में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसकी थीम थी सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस। यानी कि आज भी ऑफिस में काम करने वाली महिलाओं से छेड़छाड़ होती है और ऑफिस में महिलाओं को तमाम तरह की चीजों का सामना भी करना पड़ता है। इसी के बारे में महिलाओं को जागरूक करने के लिए पुलिस कमिश्नरेट के ऑडिटोरियम में मिशन शक्ति के तहत वर्कशॉप का आयोजन किया गया और महिलाओं को जागरूक भी किया गया है। तो महिलाओं को जागरूक करने के लिए मिशन शक्ति अभियान का तीसरा चरण लगातार उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। ऐसे में नोएडा में एक स्पेशल वर्कशॉप रखी गई, इसका आयोजन हुआ ताकि ऑफिस में जो महिलाएं काम करती हैं अपने आप को मजबूती के साथ आगे बढ़ा सके। ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है रोकने का सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। यदि इसकी जानकारी उसके मेंबर्स और चेयरपर्सन को ही नहीं होगी तो वो किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं जिसके लिए उनको चिन्हित किया गया है। और अब इसी ट्रेनिंग के दौरान हमें ये पता चलेगा, इसीलिए हम इंटरैक्टिव सेशन बना रहे हैं कि कितने लोगों को इसका पता है और कितनों को नहीं, और अगर उनके डाउट्स हैं तो वो हम क्लियर करेंगे। और ये लोग जब बाहर अपनी कंपनियों में वापस जाएंगे तो ये अच्छे से काम कर सकते हैं, और मुझे लगता है इसका रिजल्ट आने वाले टाइम में पता चलेगा। हम देखा जाता है कि वर्क प्लेस पर जब ऐसी कंप्लेंट होती है तो सबसे ज़्यादा इनसिक्योर महिला जो करती है अपनी जॉब को लेकर करती है। बिल्कुल ठीक है, स्पेशली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में, जहां हमने देखा है कि अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट किसी महिला के साथ हुआ होता है तो उसको विक्टिम की तरह नहीं ट्रीट किया जाता, उसको कल्प्रिट की तरह ट्रीट किया जाता है। जी लगभग 150 कंपनीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सरकारी विभागों और एनजीओस को हमारे द्वारा इनविटेशन भेजा गया था इस बहुत ही महत्वपूर्ण वर्कशॉप के लिए, जो कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट जो है उस पर अच्छे से ट्रेनिंग देने के लिए है। और इसमें जो मेजॉरिटी मेंबर्स हैं वो सब ऐसे हैं जो अपने अपने संस्थान में या तो एचआर लेवल पे, मैनेजरियल लेवल के प्रतिनिधि हैं, या फिर जो एक आंतरिक जांच कमेटी होती है इस अधिनियम के अंतर्गत सभी बड़े कार्यस्थलों के, उनके सदस्य या अध्यक्ष हैं। तो मकसद इसमें यही है कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग की माननीय अध्यक्ष महोदया हैं और जो उनके साथ टेक्निकल टीम आई है, जो बहुत अच्छे से इस अधिनियम को समझते हैं और इसको कैसे इन्फोर्स करना है उसको समझते हैं, वो सब आके हमारी इस ऑडियंस को ट्रेन करते हैं। नोएडा साइबर क्राइम पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। साइबर क्राइम पुलिस ने ऑनलाइन शॉपिंग साइट अमेजॉन से फर्जी आईडी बनाकर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने ठगी करने वाले इस गिरोह के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के बैंकों को सीज कराकर 26 लाख रुपए को फ्रीज कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि इस गैंग के 2 अभियुक्तों को साइबर क्राइम पुलिस पहले गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। इनके कब्जे से 6 मोबाइल फोन, सिम और अन्य दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। तो साइबर क्राइम पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर जो लाखों की ठगी करने वाला गिरोह है उसका खुलासा यहां पर पुलिस ने किया है। दरअसल ये लोग जो हैं पहले भी इस तरह की हिमाकत कर चुके हैं और पहले भी इस गिरोह के तमाम लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। तो लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का यहां पर पर्दाफाश किया गया है। साइबर क्राइम पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी इनके साथियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं हाथरस पुलिस को भी बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने छापेमारी करते हुए मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने तस्करों के पास से गांजा भी बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 3,50,00,000 रुपए बताई जा रही है। साथ ही तस्करी में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट डिजायर और टाटा ट्रक को भी बरामद कर लिया गया। पुलिस की इस बड़ी कामयाबी के लिए आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक के 25,000 का नगद पुरस्कार भी दिया गया है।
हाथरस में भी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, मादक पदार्थ गांजा तस्करों की गिरफ्तारी की गई है। यूपी में डायल 112 में तैनात महिला कांस्टेबल ने पारिवारिक कलह के चलते जहर खा लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ते देख मौके पर मौजूदा पुलिस हमराहियों ने महिला पुलिस को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। वहीं महिला पुलिस ने आरोप लगाया है कि कई बार थाने में शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते उसने जहर खा लिया, जिसकी वजह से उसकी हालत गंभीर होने पर महिला सिपाही को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मऊ का एक पूरा मामला जहां पर महिला कांस्टेबल ने जहर खा लिया, पारिवारिक कलह के चलते बताया जा रहा है कि उसने जहर खाया, लेकिन फिलहाल उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। एक महिला कांस्टेबल जो 112 के आर्मी में काम करती है, 112 नंबर की में काम करती है, उसने जहर खाया है। उसकी फैमिली प्रॉब्लम है, उसका पति जो है कुशीनगर में नौकरी करता है, दोनों में कुछ आपसी टेंशन है। इसके पहले भी वो 2-3 बार इस तरह की घटना कर चुकी है। उसकी तबीयत ठीक है और पूरी तरह ठीक है, उसको दवा करा दी गई है और ठीक है वो। उसने पुलिस वो प्रार्थना पत्र को उसके जो रहने वाले हैं, जो उसका पति नौकरी करता है, वो कुशीनगर में करता है, तो कुशीनगर का जुरिस्डिक्शन है। और प्रार्थना पत्र उसके कई बार हम लोगों ने बात भी किया है, वहाँ से इसके पति से भी बात किया है, इसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।